हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वाद रेसिपी में। आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसे क्रिस्पी आलू के चिप्स। बिल्कुल फटाफट इंस्टेंट पोटैटो चिप्स बनाएंगे और यकीन मानिए, ये चिप्स बनाने के बाद आप पैकेट के चिप्स खाना ही भूल जाएंगे। और रेसिपी की खास बात है कि ना तो आलू को उबलना, ना धूप में सुखाना। 5 मिनट में चिप्स तैयार, और इसे आप 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। तो चलिए आलू के चिप्स कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो चिप्स बनाने के लिए यहाँ मैंने जो हम घर में आलू यूज़ करते हैं वही आलू लिए हैं। तो यहाँ हमें आलू का छिलका उतारना है और आलू को पानी में डालना है, जिससे कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। आलू का स्टार्ट और एंड का पोर्शन थोड़ा कट कर लेंगे ताकि सारे चिप्स एक जैसे बने। सारे आलू के छिलके उतार के आलू को पानी में डालना है। इसके बाद हमें आलू को एक कपड़े से पोंछ लेना है। पानी नहीं होना चाहिए आलू पर, बिल्कुल सूखा होना चाहिए आलू। इस तरह से आलू पोंछ कर रखेंगे ना तो आलू लाल नहीं पड़ेंगे। अब हम आलू को स्लाइस कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम फाइन स्लाइस करने हैं हमें। एकदम क्रिस्पी चिप्स बनाने के लिए ऐसे ही पतले पतले आलू के स्लाइस करने हैं हमें। जितना पतला रहेगा उतने ही क्रिस्पी हमारे चिप्स बनेंगे। मोटा हो जाएगा तो किनारे लाल हो जाएंगे और बीच से कच्चा भी रह सकता है, इसलिए आप इसे पतला पतला ही स्लाइस करें। अब हम सारे स्लाइसेस नैपकिन पर डाल देंगे। जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो इससे निकल जाएगा। मॉइस्चर जितना कम होगा उतने ही क्रिस्पी चिप्स बनेंगे। तो ये देखिए, ऐसे ड्राई आलू के स्लाइसेस होने चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो चलिए इसे अब हम फटाफट फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बोल में पानी लिया है और इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। क्रिस्पी चिप्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी टिप, ऑयल बिल्कुल मीडियम हॉट होना चाहिए, बिल्कुल भी हाई या लो फ्लेम पर नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर अच्छी हीट निकलता हुआ गरम तेल चाहिए, जिससे कि जब आप चिप्स डालें मॉइस्चर होता है आलू में वो तुरंत निकल जाएगा और चिप्स क्रिस्पी बनेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए, चिप्स तुरंत ऊपर आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं। हमें ऐसे ही गरम तेल चाहिए। हमें ऐसे ही एक एक करके चिप्स ऐड करने हैं और एक साथ ज़्यादा चिप्स ना डालें। अभी आपको इसमें काफ़ी बबल्स दिख रहे होंगे। धीरे धीरे जैसे ये चिप्स क्रिस्पी होते जाएंगे, ये बबल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल भी लाल नहीं पड़े हमारे चिप्स। अब इसमें थोड़े बबल्स कम हो गए हैं। अब हम जो नमक का पानी तैयार किया है, इसी स्टेज पर फ्लेम को लो मीडियम करके 2 से 3 ड्रॉप्स नमक का पानी बीच में डालेंगे। इसे आप पलट पलट कर फ्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं बबल्स कम हो गए हैं। नमक का पानी इस तरह से डालने से सारे चिप्स में नमक का टेस्ट आएगा। 60-70% चिप्स हमारे तैयार हो जाएंगे तभी यह नमक का पानी आपको ऐड करना है। बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं चिप्स, क्योंकि एक भी बबल नहीं दिख रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी चिप्स बने हैं हमारे, और ठंडे हो जाने के बाद और भी क्रिस्पी हो जाते हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने हैं। ऐसे ही आपको सारे चिप्स फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हैं चिप्स कितने अच्छे बने हैं। बस फ्राई करते समय कुछ टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट हॉट होना चाहिए। हाई हीट में आप फ्राई करेंगे तो आपके चिप्स ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और फिर ठंडे हो जाने के बाद ऐसे चिप्स नरम हो जाते हैं। और लो टेम्परेचर में आप चिप्स फ्राई करेंगे तो वो ऑयली बनेंगे और बनाते वक्त ही क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर आपको मीडियम हॉट ही रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, तभी आपके चिप्स एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनेंगे। आप देख सकते हैं ठंडे हो जाने के बाद भी ये कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी टिप से बनाइए और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए,
और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।